किसी ने क्या खूब कहा है, जीतता वही है जिसमें धैर्य, साहस, सत्य और धर्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे, इस माध्यम से जानेंगे कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं और भगवान हमारे भोग को कैसे ग्रहण करते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है भोग या प्रसाद। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती, और यदि नहीं खाते तो भोग लगाने का क्या लाभ? एक युवा शिष्य ने पाठ के बीच में अपने गुरु से यह प्रश्न किया। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, वे पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाता पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने शिष्यों से कहा कि ये पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया, फिर भी गुरु ने सिर नहीं महलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख लें, स्कूल श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी नहीं उत्तर दे पाया। तब गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने उसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग या प्रसाद को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भगवान का भोग इस बात का प्रतीक है कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमें भोजन मिला है, इसे हम आपको अर्पण करके ग्रहण करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आदि शंकराचार्य ने जी भी कहा है कि जब हम कोई प्रसाद या भोग लेकर के अपने घर में रखे रहते हैं तो कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या है, तो बोलते हो लड्डू है। फिर उस पूछता है कि किसका है, तो बोलते हो मेरा है। लेकिन जब आप उसको मंदिर में ले जाकर के उस लड्डू को भोग के रूप में प्रसाद को अर्पण कर देते हैं भगवान को, फिर जब आप उसको वापस लेके लौटते हैं तब जब कोई पूछता है तो आप कहते हो कि ये लड्डू नहीं प्रसाद है। फिर वो पूछता है कि किसका है, तो आप बोलते हो हनुमान जी का है, शिव जी का है। तो यहाँ पर आप समझने की बात यह है कि अभी आपका अहंकार खत्म हो गया। पहले आप मेरा मेरा कर रहे थे, अब आप प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभु प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपके अहंकार को भी ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को। अपने सनातन धर्म को बनाए रखिए, उस पर तर्क वितर्क न करिए, उस पर विश्वास करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।